అలీ ఇమామే మనస్తో మనము గులామే అలీ హజార్ జానే గిరామీ ఫిదా బనామే అలీ 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 La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah 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 la ilaha शादियों के मौके पर जब निकाह का वक्त आता है तो लोग अच्छे गवाह को ढूंढते हैं जो बहुत करीब का और बहुत एतमाद वाला होता है। अच्छे गवाह की गवाही बड़ी पक्की मानी जाती है। चांद देखने वाला दिमागी तौर पर अगर दुरुस्त होता है तो उसकी चांद की तस्दीक पर लोग रोज़ा नहीं रखते, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। ज़मीन की प्लाटिंग के लिए भी आप एक अच्छे गवाह की ज़रूरत महसूस करते हैं। यहाँ तो ईमान साबित करना है कि हम मोमिन हैं, उसके लिए एक दूसरे को गवाह बनाएं आप, एक दूसरे को गवाह बनाएं आप। La ilaha illallah 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 illallahu ताज्जुब है, अल्लाह का नाम लेने में भी हम शर्माते हैं। जिस खुदा ने हमें ज़बान दी है ना, उसी खुदा को पाक कहने में शर्माते हैं। अगर हमें इंसान बनाने में माज़ अल्लाह उसकी रहमत को हया आ गई होती तो फिर हम जानवर बना दिए गए होते। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बग़ैर किसी रिश्वत के, माज़ अल्लाह बग़ैर किसी मतलब हुकूमती कोई सिफारिश नहीं चलती ना अल्लाह की बारगाह में। ये अल्लाह का एहसान है, बग़ैर किसी सजदे के, बग़ैर किसी रुकू और रोज़े और नमाज के उसने हमें इंसान बना के पैदा किया। नालियों के कीड़े बना सकता था, गंदगी खाते, अंधा बना देता, गिलास में पड़ी हुई मक्खी पी डालते, समझ रहे हैं, बहरा बना देता। लोग मुझे गलत रास्ता बताते तो मैं उसी गलत रास्ते को सही रास्ता तसव्वुर कर लेता। ये उसका शुक्र माने कि उसने हमें इंसान बनाया है, मुकम्मल इंसान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान शरीफ की एक आयत है, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, पर तुम क्या समझते हो तुम्हें हमने बेकार पैदा किया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान में। कभी इंशाल्लाह इस मौजू पर बात करूँगा, कभी इंशाल्लाह। आज ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बैठ के जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी बात भी मुझे सुनाई देनी चाहिए। आप हैं तो फिर बताएं मुझको। इस लफ्ज़ को फिर समझें, इस कुरान की आयत का तेवर फिर समझें, इन हरूफ के मजमूए के असरात को दिल पे मुरत्तब करें। अल्लाह फरमाता है अफा हसीब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुम क्या समझते हो। यही बात अगर कोतवाल या डीआईजी कह दे तुम क्या समझते हो तो फिर बड़ी परेशानी होती है। पड़ोसी कह दे अबे तू क्या समझता है, तो फिर अपनी सिफारिश, अपने सोर्स, अपने मेयार का, अपने लेवल का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, अब मैदान मैशर में किसको फ़ोन करेंगे, वहाँ किससे कहेंगे कि मेरी सिफारिश कर दीजिए। कुरान का ये तेवर है अफा हसीब तुम क्या समझते हो, तुम्हें हमने बेकार पैदा किया है। जो चाहो खा लो, नहीं खा सकते, जो चाहो पी लो, नहीं पी सकते, जहाँ चाहो चले जाओ, नहीं जा सकते। फिर जब ज़मीन खुदा की है तो मर्ज़ी भी खुदा की चलेगी। जब खुदा की हवा इस्तेमाल करते हो तो फिर हवा का मालिक जो चाहेगा उसी पर अमल करना पड़ेगा। ये नहीं पानी खुदा का पी लें, मनमानी करें, नहीं। रिस्क खुदा का दिया हुआ खा लें, बातें उसके दुश्मन शैतान की माने, नहीं। समझ में आ गया ना भाई। आप अपने मोमिन होने की गवाही दें इंशाल्लाह, फिर बातें होंगी थोड़ी सी, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर में आया हूँ माशाल्लाह।
पढ़े मेरे साथ, आप मोमिन हैं, आपको इतना बड़ा इनाम मिला, इतनी बड़ी नेमत मिली है, आप चुने हुए लोग हैं, छांट छांट करके आपको निकाला गया, आप कितने खुशकिस्मत हैं, ज़रा सा कोई दागी था उसे छोड़ दिया गया है, आपको निकाल लिया गया, आप इतने खुशकिस्मत हैं। अल्लाह के इस एहसान पर कुर्बान जाएं, ज़िंदगी भर कोई और काम ना करें, सिर्फ शुक्र के सजदे करें, फिर भी हक अदा नहीं हो सकता है। उसने हमें कहाँ से निकाला है? दुनिया में 8 अरब से ज़्यादा लोग रहते हैं, 8 अरब से ज़्यादा लोग रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि लेकिन अल्लाह ने उनमें बहुत से लोग हैं, ईसाइज़ में, बौद्धिज़्म में, बौद्ध और यहूदीज़ में, सेकुलरिज़्म है, कम्युनिस्ट जहन के लोग हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया है। एक मौजू ही अलग है। बहरहाल मैं चाहता हूं कि आप मोमिन हैं, अपने मोमिन होने की गवाही दें, ढेर सारे लोगों को गवाह बना लें कि मैं मोमिन हूं, ताकि मैदान मैशर में आपका कहा हुआ अगर फेल हो जाए तो फिर इनकी गवाही काम आ जाए। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं भाई, मैं गुजारिश करूँगा आगे बैठ जाएँ, मैं नाम तो जानता नहीं मौलाना इशाद भाई, लेकिन सब लोग आगे बैठ जाएँ, कितने बैठे ठीक है आगे बैठ जाएँ, हुजूर की मजलिस है, बैठे पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सबकी आवाज आनी चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम के सगे मजले भाई अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी फरमाते हैं, बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का हो दुश्मनाने अहले बैत। फिर फरमाते हैं कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। सुभान अल्लाह, हाँ तो गुड़ा के बोलो नारे हैदरी, सब लोग बोलो भाई नारे हैदरी। मेरे बड़े भाई हज़रत मौलाना मोहम्मद इरशाद कादरी साहब क़िबला जहाँ इस वक्त मौजूद हैं, जिस गांव और कस्बे की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमें ये कहना कि वो हमारे इलाके में है ये गलत है, ये कहिए कि उनकी ज़ात से जो इलाका मामूर है हम भी उस इलाके में रहते हैं, वो हकीकत में इन जिम्मेदार और मिल्लत का दर्द रखने वालों की ज़मीन है जो प्रतापगढ़ ज़िले में कुंडा तहसील के नाम से मशहूर है। यहाँ पर वहाँ के काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, शोएब भाई वगैरह तशरीफ़ लाए हुए हैं और हमारे तमाम तर दोस्त वगैरह, तो दुआ करो कि इनकी इस मोहब्बत की वजह से आज हम सब ने उनके दरवाज़े पर मिल करके इमाम आली मकाम के नाम की एक मजलिस सजाने की रब की बारगाह से भीख मांगी, रब की बारगाह से भीख मांगी। ये पंखा चला दें, पंखा मेरी से कोई दिक्कत, अच्छा आपको दिक्कत, आप लोगों को दिक्कत ना हो जो बेहतर हो देख ले माशाल्लाह। और इस वक्त इस पूरे प्रोग्राम को तकरीबन बहुत मशहूर ये चैनल है चिश्तिया वर्ल्ड इंटरनेशनल चैनल, मेरे भाई हैं बहुत अच्छी नाशरी पढ़ते हैं सना खान रसूल मोहतरम अजहर फूलपुरी साहब, उनके भाई तशरीफ़ लाए हैं, तो ये बातें रिकॉर्ड भी हो रही हैं, अब आप लोग भी कैद हो रहे हैं, पूरी दुनिया में आपको देखा जाएगा सुना जाएगा। खैर अल्लाह का शुक्र है, दुआ करो अल्लाह ईमान पर खात्मा अता फरमाए। आज की महफिल है और आज आशूरे के बाद की रात है, आज 11 मुहर्रम शरीफ, और ये बड़ा दर्द और बड़ा कर्ब का महीना जो इस वक्त चल रहा है मुहर्रम शरीफ का। दुआ करो कि अल्लाह हमारे दिलों में गमे हुसैन का गलबा अता फरमाए, आमीन कह दें। कुरान शरीफ के कायद का टुकड़ा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है फसल्ले लिरब्बिका वनहर, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है फसल्ले लिरब्बिका वनहर। ये उमूमन बकरीद के मौके पर जो पोस्टर छपते हैं उनमें ये कुरान की आयत लिखी रहती है, मतलब क्या है, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। फसल्ले लिरब्बिका, नमाज पढ़ो अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी करो। तो
तो उमूमन लोग ये समझते हैं कि ये बकरीद के दिन की तरफ ही इशारा है कि नमाज पढ़ के आओ ईदगाह से और फिर घर में आके कुर्बानी करो। सूफिया कराम कहते हैं एक एक कुरान की आयतों के कई की माने होते हैं, कई के माने होते हैं। सूफी कहता है कि एक अजीम बुजुर्ग कहते हैं कि दर हकीकत कुरान की इस आयत पर अमल करने के लिए इस वक्त आपको तकरीबन आधे से एक घंटे का टाइम चाहिए। भाई ईदगाह जाएंगे, फिर वहाँ ईदुल अज़हा की नमाज पढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर वो कुर्बानी करेंगे, आधे घंटे से कम नहीं लगेंगे। लेकिन एक ही वक्त में अगर इस कुरान की आयत के दो अलग अलग सिस्टम पर अमल देखना हो तो करबला में देख लीजिए, समझ गए ना। एक ही आयत के दो पहलू हैं, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। एक ही लम्हे में अगर इस आयत पर कोई अमल कर रहा है तो मैदान करबला में इमाम हुसैन कर रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। एक ही लम्हे में वो सजदे में भी है और कुर्बान भी हो रहे हैं, है ना भाई। एक ही वक्त में एक आयत पर एक ही जगह पर अमल कहीं मिलता है तो करबला में मिलता है, आपके यहां भी और हमारे यहां भी नहीं मिलता। हम कुर्बानी, हम नमाज पढ़ने गए ईदगाह में तो बकरा लेके नहीं गए, और जब बकरे के पास आए तो फिर ईदगाह लेके नहीं आए। लेकिन इमाम की बारगाह में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा एक ही वक्त में सजदा भी हो रहा है, उसी वक्त कुर्बानी भी हो रही है। ठीक है, बड़ा टफ शेर है। झारखंड के अल्लामा अब्दुर्रहमान फैजी साहब फरमाते हैं उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, दोषे नबी है रहल सी जिस पर हुसैन है, सजदे में है तो शरहे फसल्ले ले रब्बिका और गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन है। यानी सजदे में है तो कुरान की इस आयत के इस पहले वाले टुकड़े पर अमल हो रहा है, सजदे में है तो शरहे फसल्ले ले रब्बिका गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन है। सुभानअल्लाह, एक आयत टफ है लेकिन इस आयत के इर्द गिर्द उनका यह शेर घूमता है, बड़े आफाकी शायर हैं। तो आज इमाम अली मकाम की कुर्बानी, जाहिर सी बात है ये खुद इतने बड़े लोग हैं कि 10-10 दिन तकरीर करते हैं। मौलाना इरशाद साहब कल की तकरीर तो तकरीबन 3 घंटे की हुई इनकी, और पूरा गाँव बारिश में बैठ के भीग के सुन रहा था माशाल्लाह, बताया मुझको शुएब भाई ने। बहुत ही मुखलिस और बहुत ही दूरंदेश और बहुत ही मिल्लत का दर्द इनके पास है, और मेरी जब मुलाकात हुई दिल में एक असर छोड़ा इन्होंने, जबकि मैं बड़ा सियाहती आदमी हूँ। आज की रात यहाँ, कल की वहाँ, परसों यहाँ, मैं एक कहने की उसने कि पूछ कर मेरा पता वक्त रायगा ना करो, मैं तो बंजारा हूँ क्या जाने किधर जाऊँगा। रोज़ नए चेहरे, नई मजलिस, नया माइक, नए डेकोरेशन के माहौल में ये बातें करना, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो याद रहते हैं और मौलाना इरशाद कादरी साहब मेरे दिलों में रहते हैं। उनके वालिद साहब से मुलाकात हुई, उनके चचा बैठे हुए हैं, और ये तमाम तर घर के ख़ानदान के गांव के लोग हैं। दुआ करो अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमा ले। तो जाहिर सी बात है आप सबको पूरी करबला की दास्तान याद हो गई होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10-10 दिन लगातार पूरी तारीख को अजबर कर लिए, सुनते सुनते याद हो गई। अब तो वो इमाम साहब को बताते हैं, वो इमाम साहब ये वाकया छूट गया था, हज़रत ये वाकया नहीं बयान किया आपने, मतलब ये 2-4 साल में 10-10 दिन जो बयानात हुए ना, अल्लाह का शुक्र है उससे ये फ़ायदा हुआ कि बच्चों को करबला याद हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अजीब बात है, मैदान करबला में यजीद ने सोचा था एक हुसैन को मिटा देंगे तो दीन और इस्लाम सब मिट जाएगा, उस बेवकूफ़ को पता ही नहीं था, उस बेवकूफ़ को पता ही नहीं था कि इमाम अली मकाम तो शहीद होने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उनके आने का मकसद मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन नाना का दीन शहीद ना होने पाए। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर हैं हुसैन, पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर हैं हुसैन। बात ये जरा देखें, तकरीबन 14 लोग बदर के मैदान में शहीद हुए थे, 70 लोग उहद शरीफ के मैदान में शहीद हुए, समझ रहे हैं आप। 25,000 सहाबे कराम की मज़ारात नजफ अशरफ इराक में बाबू सलाम कब्रस्तान में, एक रवायत के मुताबिक 20,000 सहाबे कराम शहीद हुए हैं उर्दन के इलाके में जो मुल्क शाम में कहलाता है, एक रवायत के मुताबिक 5,000 सहाबे कराम शहीद हुए हैं बहर यूसुफी में, अल्लामा वाकदी की किताब फुतूहुल गैब के मुताबिक 10,000 सहाबे कराम की मज़ारात हैं बकी शरीफ में मदीने पाक, कई हज़ार सहाबे कराम मक्के शरीफ के माला कब्रस्तान में लेटे हुए, 1,00,000 से ज्यादा अंबिया कराम जमीन पर तशरीफ लाए, 1,00,000 से ज्यादा सहाबे कराम ने हुजूर की गुलामी अख्तियार की,
उनके बाद से लेके अब तक न जाने कितने लोग जमीन पर आए और या तो अपनी मौत दुनिया से गए या शहीद हुए। मंगोलों के अटैक में 16 लाख 18 लाख कलमा पढ़ने वाले मारे गए थे। कितने? सुने मेरी बात को। मंगोलों के अटैक में 18 लाख कलमा पढ़ने वाले मारे गए, ठीक है। बोसेनिया में 3 दिन में 2.5 लाख कलमा पढ़ने वाले मारे गए। योगोस्लाविया और चेचेनिया और फलस्तीन में और अफगानिस्तान में ये तो बहुत दिन से चली रहा है, लेकिन बता दूं कि तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। जितना इसको छांटा जाएगा ना उतना इसके अंदर हरियाली पैदा होगी। समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि इतने लोग शहीद हुए, किसी के नाम का झंडा हमारे घरों पे या हमारे घरों के सामने नहीं लगता। इन अंबिया और रसूला ने इजाम और सहाबे किराम की अजमतों का ताज अल्लाह के नबी ने अपने बेटे हुसैन के सर पे रखा, ऐसा चमका कि आज हर घर के दरवाजे पर एक झंडा हुसैन के नाम पर मुहर्रम में नजर आ जाता है। माशाल्लाह, तेरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बड़े बड़े लोग जमीन पर आए चले गए। आज थोड़ी सी बात करूंगा ये सोच करके कि आपको जो पूरा वाकया करबला सहाबे किराम की और चारों खलीफा की और भी हुजूर की तबलीग की, हुजूर के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वालों की जो बातें आपको याद हैं, उससे हट करके कुछ सवालात हैं करबला के हवाले से, उनके जवाबात दे करके इंशाल्लाह फिर हम और आप सलातो सलाम पढ़ेंगे और एक अजीम तबर्रुक है उसको अपने अपने घर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बोलिए।